और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कोटा में कांग्रेसियों के साथ संवाद किया। इस संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर चर्चा की। कार्यक्रम में मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रमोद जैन भाया, मंत्री अशोक चांदना समेत कोटा संभाग के कांग्रेस विधायक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पीसीसी डीसीसी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी रंधावा ने समीक्षा करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही और कहा कि अगर कार्यकर्ता साथ है तो फिर पार्टी को किसी चीज की परवाह नहीं है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने दावा किया कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता से कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं बेहतर है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस सरकार 2023 में भी राजस्थान में रिपीट होगी। देखिए, जो आज कोटा संभाग का कार्यक्रम था, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमें गाइडलाइन दी है, उनके ऊपर पूरी चर्चा और एक एक आदमी का हमने विचार विमर्श किया है, तो लोगों में उत्साह भी है और ऐसी बात भी आई है कि जो है कि लंबा भी होना चाहिए कि 2 महीना जो आपने टाइम दिया है, 2 महीने में पूरा एरिया को कवर नहीं किया जा सकता है ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा की, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के 25 सांसदों के खिलाफ जिन्होंने एक फूटी कोड़ी का काम नहीं किया, केंद्र से 1 रुपये का बजट लाए नहीं और ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने में जो वादा किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, आज यहाँ का जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी होते हुए भी और 25 सांसद होते हुए भी यहाँ के कोटा के और झालावाड़ के और इन 13 जिलों के लोग पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर सबसे पहले पहुँचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर।